रायबरेली जनपद में बड़ी धूमधाम से मनाया गया नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। पूर्व विधायक रामलाल अकेला के आवास पे मनाया गया नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। सपा की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने केक काटकर मनाया नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। इस दौरान पूर्व विधायक समेत भारी संख्या में सपाई व अन्य लोग मौजूद रहे। आइए आपको भी सुनवाते हैं सपा महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह की जुबानी। आज नेता जी का जन्मदिन है और हम लोग हंडिया जा रहे हैं, वहाँ से कमेटी एक महिलाओं की यात्रा निकाल रही है। आज विधायक जी ने हम लोग को यहाँ पर रोका है और नेता जी का जन्मदिन पहले हम लोग यहीं से मना रहे हैं, उसके लिए विधायक जी विक्रांत जी और सबको यहाँ से शुक्रिया। आज सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव भी हो सकता है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ही बदलाव होगा वो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार बनाएंगे 2022 में सरकार। महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार महिलाओं को लेकर मैं यही कहूँगी कि समाजवादी पार्टी उसकी जगह महसूस है, बहुत सम्मान मिलता है, महिलाएं त्रस्त भी हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, घर का खर्च कैसे चलाएं, बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, इसलिए एक महिलाओं के लिए योजना भी हम लाएंगे, समाजवादी पेंशन भी बढ़ाएंगे, बच्चियों को स्कूल भेजेंगे और उनको तकनीक से भी जोड़ेंगे, लैपटॉप इतना हमने किया ही था उसको आगे ले। प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं के लिए लड़े, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसे कई नारे हैं, यूनिक नारे दे रहे, क्या कहेंगे इसको? मैं उनको जानती नहीं हूँ, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और इतनी बेहतरीन कमेटी हमारे बेहतरीन विधायक इनके बारे में बात करती हूँ समाजवादी पार्टी।